बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल नंबर 9.9, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड आल्सो इट इज वेरी इजी बिकॉज जितने भी पिछले न्यूमेरिकल किए हैं उनमें जो फॉर्मूला लगा है और जिस तरीके से हमने उसे सॉल्व किया ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, हम लोग इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें, और पहले सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9.9 को समझना और देखना कि इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है और कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो अ फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट ब्रैग एंगल ऑफ 13.3 डिग्री फ्रॉम अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले हमें क्या बताया गया, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, तो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है ना, उस बड़ी सारी स्टेटमेंट के बीच में जरा बस छोटे पॉइंट्स लेने होते हैं जहाँ पे आपको वैल्यूज दी होती है। तो यहाँ पे एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर कहा गया, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे दी गई है, और वो कितनी दी गई है हमारे पास 0.150 नैनोमीटर। ओके, 0.150 नैनोमीटर, व्हाट नेक्स्ट। ओके, तो उन्होंने हमें क्या कहा गया है, कहा है सॉरी, उन्होंने हमें बताया कि अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, यानी कि एम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ब्रैग्स एंगल थीटा, ब्रैग्स एंगल है ये थीटा, हमारे पास कितना दिया गया हमें 13.3 डिग्री दिया गया है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये तो हमारा हो गया डेटा। अब हम लोग को पता करना है कि हम लोग को चीज क्या फाइंड आउट करनी है। तो उन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज द इंटर प्लेन स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल, यानी कि इंटर प्लेनर स्पेसिंग डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डी से। तो इसे डी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया, और अब हम लोग इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला जिसे हम लोगों ने हर न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करके थक गए हैं। बहुत ही ईजी है, लेकिन ये भी आसान काम है, हम लोगों को पता है कि एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, 2 sin theta, सॉरी फिर भी हम लोगों ने गलत कर दिया, यहाँ पे तो डी लगना था और डी मैंने लिखा नहीं, तो मैं यहाँ ऊपर डी लिख रही हूँ, 2d sin theta है। ओके, सो 2d sin theta इज इक्वल्स टू एम लेमडा, और यहाँ दोबारा से एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, हेडिंग देते हैं, हेडिंग दे लेते हैं इस बार अपना क्या कराया साफ करने के लिए, फॉर्मूला। ओके, फॉर्मुलेशन क्यों लिख रही हूँ मैं, फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, टू फाइंड, फाइंड हम लोगों को क्या करना है, ये वो है और ये हमारे पास डेटा है, और हम लोग करने लगे हैं सोल्यूशन। टेंशन नहीं लेनी, एकदम चिल माइंड में हम लोगों ने इसे सब कुछ को समझ लेना है, पता कर लेना है क्या हम लोग करना है। सॉल्यूशन में हम लोग लिख लेते हैं एक बार दोबारा वही फॉर्मूला, 2d sin theta इज इक्वल्स टू एम, सॉरी यहाँ पर हमारे पास एम लेमडा होता है, लेकिन हम लोग इस बार एन लेमडा लिखते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू एन की है, तो फिर एन लेमडा चलेगा। यहाँ पर मैंने एम लेमडा लिखा है लेकिन यहाँ पर एन लेमडा आना है, तो एन लेमडा हो गया, सो एन लेमडा हो गया। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसे कर देंगे, हम लोग को डी फाइंड आउट करना है, तो डी को एक तरफ कर लेते हैं, उस तरफ दूसरी वैल्यूज को ले जाते हैं, एन लैम्डा इसे यहीं पे लिखा लेते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 sin theta, और अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी लिखा रहने देते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास है और लैम्डा की वैल्यू भी हमारे पास है, 0.150 इंटू 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय, ओके जो डिवाइड करना है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, साइन लिख देंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13.3 डिग्री। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, डी इज इक्वल्स टू पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.150 इंटू 10 to the power -9। ओके, और 2 sin theta यानी कि 2 sin 13.3 डिग्री यानी कि 0.23, और मजीद सॉल्व करें। अब अगर हम लोग इसे मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.325 इंटू 10 to the power -9 मीटर। कैलकुलेटर अपने पास रखा करें और इसे साथ साथ में सॉल्व किया करें, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0.326 नैनोमीटर। ओके, तो फाइनल आंसर हमारे पास है 0.326 नैनोमीटर।
और ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपके पास जो है 9.9 न्यूमेरिकल का आंसर आ गया, और अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल बचा है विच इज 9.10, और हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और एटलीस्ट और एट लास्ट हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स का, और फिर हम लोग नेक्स्ट मेरे चैप्टर्स को भी बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर बिल्कुल भी करना नहीं भूलना। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।